पहले मैं कर रही दूध गरम और साथ में यहाँ पर देख लीजिए, मैंने जयेश को बोला था अखरोट लेने के लिए, वो बोरा इस तरह से थैली भर के लेकर आ गए। और ये है अंजीर, तो मैं जूस बना रही हूँ हमारे लिए, तो इसको भी मैंने, ये मुझे धोने हैं दोनों कांच की बर्निया, बाद में इसे किसी में भर लूँगी। और एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी है ये वाला अखरोट, तो इसको भी मुझे किसी में भरना है, इस अंजीर को भी। तो चलो पहले बनाती हूँ। और आज गरम दूध था तो गरम गरम जूस है, तो मैंने तो इस तरह से ठंडा रखने के लिए रख दिया है। और जैसे ऐसे ही गरम गरम पीकर जा रहे हैं। आज हम लोग बहुत ज़्यादा लेट उठे, 11 बज रहे हैं अभी तो मेरा ये ठंडा हो जाए उसके बाद और गरम गरम जूस पीने के बाद मैं लग जाती हूँ अपने काम पर, और जैस जाते हैं अपने काम पर, मतलब कि अपने ऑफिस। और जैस के जाने के बाद मैं लगाऊंगी अपना बेडरूम का बेड, मतलब कि, और ये जो मैंने सेटिंग करके रखा है ना, वो अभी हम लोगों को अच्छे से, मतलब कि आदत हो गया है, अभी हमें सूट हो गया है इस तरह से सोना, और अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा सा जगह भी मिल गया है दोनों तरफ से, तो अभी ये वाला सेटिंग परफेक्ट हो गया है। और ये वाला बेडशीट मुझे दिवाली पर बिछाना था, बट नई चीज़ आई ना, तो मैंने सोचा चलो बिछा देती हूँ दिवाली के टाइम पर, कुछ नई वाली ले लूँगी। और यहाँ पर जो मैं दो रखी थी मैंने बेडशीट, वो तो अभी पुरानी हो गई है, और मेरा बेडरूम थोड़ा सा छोटा है। बेडरूम जिस जब हम लोगों ने करवाया ना, उसी टाइम से छोटा ही रखा है, क्योंकि हम लोगों को इंटरेस्ट बड़ा रखना था, इस वजह से। तो मेरा बेडरूम जैसा है वैसा है, मुझे अच्छा ही है, ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पर देखो, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे घर बन गए हैं, और नए 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 सब लोग आइडिया लगा कर नए नए बना रहे हैं। और हम लोगों ने जब बनवाया था तो उस टाइम पर इतना कुछ नहीं था, तो उस टाइम पर हमारा जिस तरह से हमारा डिज़ाइन था, उस तरह से हमने बनवाया। और अभी जो भी नए नए मकान बना रहे हैं, मतलब कि घर बना रहे हैं, तो उन सब का कुछ नया नया आइडिया लगा कर कुछ नया बना रहे हैं। तो अभी उनका देखकर हमें, हमारे घर को तो ऐसा नहीं बोलता है कि उनका अच्छा है हमारा नहीं है। और किचन कैबिनेट्स भी मुझे बनवाने हैं, लेकिन वो मैं बाद में बनवाऊंगी, अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा सब कुछ हो गया है, तो इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से मैं अभी किचन का मुझे कोई नई आइडिया रहा है। लेकिन हाँ, बनवाऊंगी ये दिवाली नहीं तो आने वाली दिवाली, लेकिन मुझे किचन कैबिनेट्स, क्योंकि जो मैंने चिमनी लगाया है ना, तो उसका जो पाइप दिख रहा है ना, उसकी उसको मुझे कवर करना है, तो इसलिए, लेकिन थोड़े टाइम के बाद। तो फिलहाल अपना हेयर वॉश करके आ गई हूँ, मैंने कल बहुत सारा ऑयल लगाया था, ढेर सारा, उसका मैंने वीडियो भी अपलोड किया था हेयर ऑयल का, इस वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूँगी उसका लिंक, तो देखिएगा ज़रूर। और शायद 1-2 महीने से मुझे सर्दी जैसा हो रखा है, और खांसी अभी भी ठीक नहीं हो रही है। मैं सिरप दवाई वगैरह पीती हूँ तो ठीक हो जाती है, फिर सुबह वैसा ही हो जाता है, थोड़ा सा गले में भी दर्द रहता है, और फिर अच्छा नहीं लगता है, पूरा ऐसे सर भी एकदम भारी भारी सा हो रखा है।
तो जो मैंने बर्निया भर के रखी थी उसको मैंने वापस खाली करके धो के अच्छे से धूप लगाकर इसमें जो जैसे इतने सारे अंजीर लेकर आए हैं ना वो सब मैं भर रही हूँ, ड्राई फ्रूट्स मतलब कि अखरोट वो सब। और इसको मैंने सोचा कि अगर इसको एक एक खोल के मैं डालूँगी तो बहुत टाइम लगेगा और जगह भी बहुत ज़्यादा चाहिए, तो मैंने फिर इसी तरह से उसकी पूरा ये देखो लाइक अच्छे से बर्नी में फिट हो गया। और अभी हो रहा है इवनिंग और मैं यहाँ पर बना रही हूँ दाल और चावल। और कबीर को सुबह से थोड़ा सा ऐसे बॉडी पेन हो रहा था, माथा भी उसका सर भी भारी भारी जैसा हो रहा था, तो फिर इवनिंग को थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ना, तो मैं जल्दी जल्दी उसको हॉस्पिटल लेकर गए हम दोनों, उसकी दवाई लेकर आए। रास्ते में उसने उल्टी भी करा था एक बार किया था, तो मैंने सोचा उसको सिंपल से दाल चावल ही बनाकर दे देती हूँ तो वो खा लेगा। तो फिलहाल उसके लिए दाल चावल बना रही हूँ, दोपहर का सब्जी भी पड़ा है, या फिर जैसे को मैं कुछ और बना दूँगी, सेव टमाटर सब्जी या फिर रोटी रोटला, वो दोनों कुछ भी। तो फिलहाल कबीर को खिलाकर उसे दवाई दे देती हूँ। रात के बज रहे 9:15 और कबीर को आज थोड़ा सा फीवर था, तो इस वजह से हम लोग गए थे उसकी दवाई लेने। और जैसे ठीक हो गए ना तो ये इतना ज़्यादा तूफान कर रहा है। दाल चावल बनाए तो थोड़े से उसने दाल चावल खाए, और जैस के लिए मुझे बनाना है बाजरे का रोटला। और ये भी यहाँ पर घर पर रहते हैं तो पूरा दिन फ़ोन में ही घुसे रहते हैं। हो गया काम, अब बनाओ जैस खाना में। हाँ अब खाना बनाओ। हो रही कभी कल तो कबीर को कल कबीर को है छुट्टी स्कूल में ईद का। और ये रहा मेरा आज का खाना, थोड़ा सा खीर है, दाल चावल, थोड़ा सा संभारा रोटी और पूरी, और कबीर यहाँ पर बैठकर कबीर खा रहा है दाल चावल। इसमें से कबीर को भी खिलाना है, इसमें से मिक्स करके उसको भी थोड़ा दूंगी, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा है। और ये है नेक्स्ट डे, और गुरुवार का दिन है आज, और मेरा फास्ट है, तो बस मैं यहाँ पर बैठकर ग्रीन टी पी रही हूँ। सुबह का सारा काम हो गया है, जयस चले गए हैं ऑफिस, कबीर चला गया है स्कूल, और मैं बस यहाँ पर बैठकर ग्रीन टी पी रही हूँ, और अच्छे से सारा घर साफ हो गया है। तो चलो अच्छी वाली ग्रीन टी इंजॉय करते हैं, और उसके बाद जो भी काम होगा वो सोचते हैं और करते हैं।
और जो मैंने कल रात को चने भिगो के रखे हुए उनको भी मैंने बॉइल करने के लिए रख दिया है। दूध आ गया है तो उसको भी मैं साथ में गर्म करने के लिए रख दूंगी। और इतने सारे बर्तन हैं उसको मुझे वॉश करना है। किचन भी थोड़ा सा मेसी सा है तो वो भी मैं करती हूँ। लेकिन फर्स्ट मैं लिविंग रूम साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि मुझे लगाना है, मतलब कि पूजा करनी है। आज गुरुवार है इसलिए तो नहा धोकर मैं आ गई हूँ। हल्का सा मैं लिविंग रूम में और सभी किचन में मॉपिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ऊपर जाती हूँ और पहले पूजा करूँगी। ये देखिए गाइस, कबीर ने अभी कितने घंटे में, 30 मिनट में सिर्फ ड्राइंग बनाया है टीवी से देख देख कर गणपति जी का। मस्त है। कबीर को पीना है कॉफी। चलो डाल दो इसमें कॉफी डाल दो। और मैंने पहले बोल दिया था कि कबीर गया है स्कूल। वीडियो एडिट करने के टाइम पर मुझे याद नहीं रहा था कि कबीर को आज घर पर ही है। उसको कल रात को फीवर था ना, तो मैंने आज उसको छुट्टी रखा है। और सैटरडे और संडे और मंडे दो तीन दिन का तो उसको छुट्टी है। कल भेजूंगी स्कूल, तो आज वो घर पर ही है। और मुझे आटा मेकर लगाना है, तो मैं गेहूं को भी अच्छे से धूप में सुखा देती हूँ। इतना अच्छा धूप निकला है ना, तो गेहूं के एक एक दाने में अच्छे से धूप लग जाएगी, तो आटा मेकर में अच्छे से आसानी से मतलब कि पीसने में इतना टाइम नहीं लगेगा। और आटा मेकर भी मैंने यहाँ पर ऊपर रख दिया है क्योंकि आवाज़ इतना ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पर ऊपर चला कर रखूँगी ना तो। और ये मेरा 15 साल पुराना ड्रेसिंग टेबल टूट गया है मुझसे ही। और कभी देख रहा है यहाँ पर टीवी। देखो उसको, टीवी देखने में उसको कुछ नहीं होगा। फीवर वगैरह कुछ नहीं होगा टीवी देखने के टाइम पर। तो चलिए बनाते हैं पनीर टिक्का मसाला। तो एक मसाले का पूरा पैकेट लेकर आए थे जयेश, तो बस ये सारा मसाला मैंने निकाल दिया है। अभी इसमें मुझे ऐड करना है दूध। और ये वाला जो मैंने बनाया था ना पनीर टिक्का सब्जी बोलूँ ना, इतना ज़्यादा अच्छा बना था ना, मैंने रात को खाया था क्योंकि मेरा तो आज गुरुवार का उपवास है। तो मैंने जयेश और कबीर के लिए बनाकर रख दिया था और मेरे लिए थोड़ा सा बच गया था रात के लिए। और पनीर मैंने घर पर थोड़ा सा बनाया था और थोड़ा सा मैंने आधे किलो जितना मैंने लिया था जब लास्ट हमारे मेहमान आए थे ना, उसका भी मैंने व्लॉग बनाया था। तो बड़े थे तो मैंने सोचा चलो कबीर और जयेश के लिए मस्त पनीर टिक्का बनाती हूँ। तो इतना बड़े बड़े स्लाइस करके मैं इसको फ्राई कर रही हूँ क्योंकि छोटे छोटे स्लाइस करके फ्राई करती हूँ ना तो टूट जाते हैं इस वजह से। और आप लोग देख सकती हो इतना बढ़िया वाला ग्रेवी बना था ना, देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। और इस तरह से मैंने इसको काट लिया है पनीर को बड़े बड़े स्लाइस में, सॉफ्ट हो जाएंगे जैसे ही पनीर में डालूंगी ना मसाले में। और इसमें मैं पानी बिल्कुल नहीं डालूंगी, दूध डालूंगी ताकि थोड़ा सा अच्छा सा मलाईदार सब्जी बने।
बज रहे हैं दोपहर के शायद 2:30 बज रहा है, तो मेरा व्लॉग है उसको मैं खत्म करती हूँ। लंच करने के बाद मैं ऊपर आई थी, मुझे गेहूँ सुखाना था क्योंकि शाम को मुझे करना है आटा लगाना है, मतलब कि गेहूँ को लगाना है। और ये रहा कबीरा, इधर इसको भी ठीक है। इसको मन कर रहा था कि मम्मी मुझे पनीर का सब्जी बना कर दो, तो सब्जी बना आया नहीं, ये बताते नहीं है, बताते तो पनीर मटर का सब्जी बनाया मैंने। और अभी फिलहाल उसको थोड़ी देर टीवी देखने दे रही हूँ। और हमारा जो आज का व्लॉग है उसे हम लोग आज खत्म करते हैं। अच्छा लगा हो तुम्हारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाले में, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।